बाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सह प्रवक्ता इजहार बिहारी ने केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला बोला और कहा कि महंगाई डायन का मार, लहसुन 400 रुपए के पार। उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई से आवाम पहले ही परेशान है, ऊपर से लहसुन की महंगाई ने आग में घी डालने का काम किया है, जिस कारण आम आदमी का घरेलू बजट पूरी तरह से चरमरा गया है। उन्होंने जमाखोरों और महाजनों के ऊपर कहा कि उनकी बल्ले बल्ले हो रही और उसके चलते जनता परेशान हो गई है। उद्योगपतियों का विकास हो रहा है और आम जनता का विनाश हो रहा है। किसानों को अनाज एवं खाने पीने के सामानों का सही कीमत नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी तरफ खाद्य सामग्रियों की कीमत आसमान छू रही है। इन सभी चीजों पर केंद्र सरकार कोई बिल क्यों नहीं लाती? केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पास महंगाई डायन को काबू करने या महंगाई बेरोजगार जैसे भूतों पर लगाम लगाने के लिए क्या कोई ईडी, आईटी या सीबीआई है कि नहीं? जनता परेशान है, किसानों को मूल्य आसमान कैसे छू सकते, इस महंगाई डायन को काबू में करने के लिए ताज भी पहने आप तो। लहसुन का माला कोई मामूली माला नहीं है। केंद्र सरकार आम आदमी को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि कोई सस्ता माला और सस्ता ताज तो पहन नहीं सकता। इतने माला माल हो गए हैं गरीबगण। महंगाई डाइन पर काबू पाने के बजाय महंगाई बढ़ाई जा रही है। बेरोजगारी पे काबू पाने के बजाय केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। आज नतीजा ये है कि गरीब आदमी लहसुन मरचाई के चटनियों नहीं के खा सकल, ओकर बस में ना रहल, का करी। महंगाई के विरोध में हम ये लहसुन का माला पहन के आए हैं, शहर का भ्रमण कर रहे हैं। 400 रुपए किलो लहसुन पर कोई कीमत 400 रुपए किलो सोचा था क्या जी? सपनों में भी नहीं सोचा था कि लहसुन ऐसा चीज 400 रुपए किलो पार हो जाएगा। कभी आप प्याज का कीमत बढ़ा देते हैं, कभी लहसुन का कीमत बढ़ाते हैं, कभी तेल का बढ़ाते हैं, कभी चना का बढ़ाते, ये किस्तों में खून चूसना भारत सरकार बंद करे, वरना हम गरीब भुखमरी के कागार पर आ गए हैं, अब आत्महत्या करेंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।